ये देखिए पनीर लबाबदार बनाया है मैंने, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ही इजी वे में बनाया है मैंने। चलिए बनाते हैं पनीर लबाबदार, देखिए कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है। पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज के ऑनियंस लिए हैं जिसको मैंने स्लाइस करके रख लिया है। 8 से 10 मैंने काजू लिए हैं और मैंने 4 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने लंबा लंबा स्लाइस करके रख लिया है। एक पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और उसमें अभी कांदा, टमाटो और काजू डाल के फ्राई कर लेंगे। अच्छा कांदा हल्का सा फ्राई हो गया है, अभी टमाटो भी ऐड कर देंगे इसमें। अच्छा मैसी होने तक इसको पकाएंगे टमाटो को भी। टमाटर हमारे थोड़े से पक गए हैं और अभी मैं इसमें 2 कश्मीरी मिर्ची डाल रही हूँ। ये तेज नहीं होती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है वैसे। इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कांदा टमाटर अच्छे से पक गए हैं, टमाटर भी एकदम मैश हो चुके हैं। अभी इसको बंद करेंगे और इसको कुछ ठंडा होने देंगे, बाद में इसका पेस्ट बना के तैयार रख लेंगे। ये मसाला हमारा ठंडा हो गया है, अभी इसको पीस कर पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया है और मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें अभी डालेंगे 1 चम्मच भर के बटर। लबाबदार है तो बटर तो बनता है, बटर में ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बटर मेल्ट हो गया है, अभी 1 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छा भूनेंगे इसको। अदरक लहसुन का कच्चापन चले जाए जब तक हमको उसको भूनना है। और अभी इसको करेंगे इसको, जो मसाला हमने पीस के रखा है वो उसमें डालेंगे। इसको भूनेंगे मसाला को। ये देखिए हमारा ग्रेवी बॉईल होने लगा है, अभी इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे अभी 1 चम्मच चिकन मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको भी। और इसको भी ढककर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। और नमक भी डाल देंगे इसमें टेस्ट के अनुसार, फिर इसको पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अब इसको स्लो फ्लेम पर 10 मिनट तक ढककर पका लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी इसमें हम डालेंगे 1 या 2 पिंच भर के कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे। और इसमें मैंने 100 ग्राम पनीर ग्रेट करके रखा है वो डालेंगे।
और 200 ग्राम पनीर के मैंने क्यूब्स कट किए हैं। टोटल 300 ग्राम पनीर का रेसिपी बना रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे पनीर क्यूब्स। इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। और हमारी पनीर लबाबदार बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। बस अभी इसको ढक के 2 मिनट के लिए खाली इसको सिमर कर लेंगे। ये देखिए हमारी पनीर लबाबदार एकदम तैयार हो गई है। अभी इसमें 1 चम्मच डालेंगे अमूल मलाई और मिक्स ले देंगे और हमारा पनीर लबाबदार बनके तैयार हो गई है। अभी इससे बहुत क्रीमी हमारी ग्रेवी लगेगी। अभी इसको करेंगे सर्व। और अभी टाइम आ गया है पनीर लबाबदार को सर्व करने का। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बना है हमारा पनीर लबाबदार। इसको आप रोटी के साथ, राइस के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ, नान के साथ गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही इजी है बनाने के लिए। आप कभी भी इसको बनाइए और इंजॉय कीजिए। देखिए अभी इसको थोड़ा सा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देते हैं और थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर डाल देते हैं इसका ऊपर। इससे इसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है। ये देखिए कितना माउथ वाटरिंग टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ही इजी है बनाने के लिए। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। पनीर लबाबदार की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।